Good morning, students. Now we are going to take revision from Unit 2. Unit 2 ka ki video 1 aapko de rahe hain. Write the following as exponent. Write the following as exponent. इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में राइट करना। एक्सपोनेंट को ही फिर हम आपको बताया था कि इंडेक्स डिग्री के भी नाम से जो है जानते हैं। जैसे आपका एक एरिया नंबर वन ए माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस टू, तो आप इसको क्या राइट करेंगे इंडेक्स के फॉर्म में, तो वो देखेंगे कितने टाइम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। यू मैं राइट इट इज माइनस टू टू द पावर ऑफ 5। अंडरस्टैंड? इन द सेम वे बी एस माइनस टू बाई 11 इंटू माइनस टू बाई 11 माइनस टू बाई 11। अगर ये 3 टाइम्स हैं तो हम इसको ऐड करते हैं माइनस टू बाई 11 पावर हो गया 3। यानी जितने टाइम्स द नंबर है रिपीटेडली विच टाइम्स जो है इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द नंबर। आर इंडेक्स भी दीजिए पॉजिटिव आर निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। ऐसे ही आपको ढेर सी के लिए आपको लिखना है 3 × 3, आपको इसमें इंडेक्स के फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, ये आपका हो गया 3 ए नंबर माइनस 5/6 इंटू माइनस 5/6 नेगेटिव नंबर्स विल बी रिटेन इन द ब्रैकेट माइनस 5/6 इंटू माइनस 5/6 इंटू माइनस 5/6। आप इसको जो है दो क्वेश्चन हमने बता दिए सी बी एंड ई, यू कैन डू इन योर होमवर्क फॉर प्रैक्टिस। नंबर टू, इन क्वेश्चन नंबर टू राइट द बेस एंड पावर। क्वेश्चन नंबर टू में आपको बेस और पावर बताना है। राइट बेस एंड पावर। बेस ऑफ पावर के लिए आपको मालूम है जैसे ये लिख दिया गया 7 to the power of 9, तो ये 7 क्या कहलाता है बेस और 9 क्या कहलाता है पावर, तो आपको यही राइट करना है कि बेस इज इक्वल टू 7 एंड इधर राइट करिएगा पावर इज इक्वल टू 9, पावर इक्वल होगा 9। अंडरस्टैंड? इस तरह की कोशिश जो है एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे और भी देखेंगे माइनस 23/56 और इसका पावर दे रहा है 6, इसमें बेस क्या होगा माइनस 23/56 और पावर हो जाएगा 6। ए फर्स्ट वन, सेकेंड थर्ड देखेंगे एज माइनस 6 पावर 0, इसका बेस होगा माइनस 6 एंड पावर 0। नंबर 4, 21/5 पावर 4, इसका बेस राइट करेंगे 21/5 एंड पावर इज इक्वल टू 4। नंबर 7 टू द पावर ऑफ 131, बेस होगा 7 और पावर होगा 131। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। वन क्वेश्चन मोर,
क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में राइट करना है, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि है 9/11, 9/11 पावर है 4, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको राइट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, डिनोमिनेटर बिकम्स टू न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बिकम्स टू डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर लिखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ 9/11 टू द पावर ऑफ 4 इक्वल हो जाएगा 11/9 टू द पावर ऑफ 4। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। जैसे कि दिया है -4 टू द पावर ऑफ 6, -4 टू द पावर ऑफ 6 इसका बाई वन होता है ना, डिनोमिनेटर अगर कुछ नहीं है तो बाई वन होता है, इसका क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -1/4, -1/4 टू द पावर ऑफ 6। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड, थर्ड के लिए भी ऐसे लिखना है 11/7 पावर -3। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स राइट करेंगे तो 11/7 को पावर है -3, तो इसका जो है जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा जाता है तो निगेटिव साइन जो होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ये नंबर नहीं चेंज होता है। क्यों, क्योंकि बाई वन माइनस थ्री का मतलब होता है कि ये वन का बाई है 11/7, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाता है तो ये सही हो जाएगा आपका 7/11 और पावर होगा इसका -3, तो जब इसको पॉजिटिव लेते हैं तो फिर ये 11/7। तो इस तरह की अगर फॉर्म में दिया हो तो आप क्या करेंगे 11/7 ही राइट करेंगे और पावर लिखेंगे इसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए -4/13 एक और देखिए नंबर को -4/13, तो -4/13 को पावर है -18, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स राइट करेंगे तो ये नंबर आएगा -4/13 और ये जो पावर्स है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से नंबर 5 का देखेंगे, अगर ए लिखा है 7/3 पावर 6 तो ए जो उल्टा हो जाएगा 3/7 पावर हो जाएगा 6। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 इसमें और भी दिया हुआ है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में देखेंगे। सिंपलीफाई द फॉलोइंग, लास्ट सम हम आपको बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें सिंपलीफाई करिए। जैसे एक हम आपको बता रहे हैं कि 1 to the power of 3 प्लस 2 to the power of 3 और प्लस 3 to the power of 3 इसका टोटल का पावर दिया है 2। आप इसको सॉल्व करोगे सॉल्यूशन में, आप इसको राइट कर लेंगे तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 1 जा 1 ये हो जाएगा 1, 2 को 2 2 4, 4 2 8, 2 to the power of 3 means 2 repeated in 3 times and 3 repeated in 3 times, 3 3 9, 9 3 27।
ये हो जाएगा पावर टू। ऐड कर लीजिए 819 9 7 16 6 81 21 3, फिर रहेगा 36 पावर टू। दैन 36 इज मल्टीप्लाइड टू टाइम्स 36 इंटू 36 टू कैन मल्टीप्लाई टूगेदर 6 6 36 6 रहेगा 18 और 3 21। दैन 3 6 18 3 3 9 9 1 10 6 9 2 1। आप राइट करेंगे यहाँ पर 1 2 9 6 1296। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द बी एंड सी। बी आपका दिया है 3/2 टू द पावर ऑफ -4 प्लस 6/11 पावर माइनस। आपके वो फोर क्वेश्चंस दिए गए हैं, फोर क्वेश्चंस में मैंने सभी क्वेश्चंस का एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया, इसके बाद से आप इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।